और इस वक्त हम लगभग लगभग मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। मंदिर के पुजारीगण कुछ नीचे आ रहे हैं और यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं कि विंध्य विकास परिषद विंध्याचल का ये जो कार्यालय है सामने प्रस्तुत हो रहा है। चल देना, इससे आगे होगा, इससे पीछे होगा, जूम प्लस जूम रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग चलता है। आप लोग करेंगे ये ऊपर मैं मात भवानी की पताका आपको दिखला रहा हूँ जो कि हमेशा इसी प्रकार लहराती रहती है। प्रणाम, अच्छा, दिल्ली से आए हैं मीडिया से, तो वैसे तो इनके जानकार रिश्तेदारी में है लेकिन मैं मीडिया से भी ताल्लुक रखता हूँ। तो आप यहाँ के पुजारी हैं? हैं, अच्छा, तो यहाँ मेरी मुलाकात यहाँ पर पंडित जी के यहाँ के मंदिर के पुजारी से हुई है। अभी मैं इनसे कुछ परिचय लेता हूँ और कुछ ये मंदिर के इतिहास के बारे में और कुछ अपने बारे में यहाँ बतलाएंगे। पुजारी जी आपको सादर प्रणाम। तो पुजारी जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले अपना परिचय दें और उसके बाद में थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में बतलाएं। मेरा नाम है राधारमण त्रिपाठी, आचार्य राधारमण त्रिपाठी, और ये भगवती अनाज काल से पूजित है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ही आराध्य से उनकी आराध्य देवी है और द्वापर में कंस के हाथ से छुटी हुई योग माया के रूप में इस विंध्यगिरि पर्वत पर आई है। इसका कालांतर में विंध्यगिरि विंध्यवासिनी नाम था जो कि अब जो है भ्रंश होकर के विंध्यवासिनी नाम से हुआ है। विंध्यगिरि पर्वत सबसे बड़ा पर्वत था और उस पर्वत के बिंदु में निवास करने वाली विंध्यवासिनी जो भगवती देव दानव और असुरों और मनुजों से पूजित चली आ रही है। इसके तीन रूप हैं यहाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये तो यह महालक्ष्मी के रूप में यहाँ विद्यमान है। इनका त्रिकोण है, ये तीन तीन कोण पर बसी हुई है। इनका एक कोण पर जो महाकाली है और दूसरे कोण पर जो है भगवती योग माया अष्टभुजा के रूप में है, और ये विंध्यवासिनी के रूप में यहाँ विद्यमान है। इनकी चार आरती होती है, चारों आरती में भोग राग नैवेद्य जो है पंचमृत से जो है दूध दही शर्करा घृत और शहद से जो है भगवती का विशेष स्नान किया कराया जाता है और चार आरती माँ का होता है। और तमाम भक्त आते हैं जो भी कामना से आते हैं, भगवती उनकी अगर निर्मल मन होता है तो उसको अवश्य पूर्ण करती है, उसमें कोई विलंब नहीं होता है। अच्छा पंडित जी, महाराज जी जैसे बताया आपने कि योग माया की तीन तीन कोणों के अंदर एक योग माया है, एक महालक्ष्मी के रूप में है और त्रिभुज के रूप में। तो जैसा हमें विदित हुआ, हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में हमारे एक किलोमीटर की दूरी के ऊपर मेहरोली क्षेत्र के अंदर योग माया जी का मंदिर है, तो हमें वहाँ से यही विदित हुआ था कि एक हिस्सा माता, जब कंस ने माता को पकड़ा था और ऊपर बिजली रूप में चली गई थी और अष्टभुजी रूपा के अंदर वह परिवर्तित हो गई थी, तो उसमें एक हिस्सा जो है वह दिल्ली के योग माया के रूप में गिरा और दूसरा यहाँ पर आगे गिरा। तो क्या ये दो ही रूप गिरे थे या और भी कई माता के उस समय के कंस द्वारा जो खींची हुई माँ थी उसके और भी कई रूप थे? अब ऐसा है कि ये पुराण है, नाना पुराण निगमा अनाज काल से चला आ रहा है। वो राम की कथाएं तो एक ही नहीं है, और है तो जब जब भी ऐसा हुआ है हमेशा, जब यहाँ जो है हमारे यहाँ 96,000 बीघे का एक चक पूरी जमीन है जिसमें कि अब उसमें भी प्रमाण आता है कि उस 96 बीघे के अंदर में जहाँ भी मिट्टी खोदी जाती है सब काली मिट्टी मिलती है और कहा जाता है कि यहाँ जो है भगवती पार्वती जो है दक्ष के यज्ञ में यहाँ विध्वंस हुई थी वह यह स्थल है।
वो पूरा 96,000 बीघा जो है काली मिट्टी के रूप में है। तो पुजारी जी, यहाँ भी एक बार एक विडम्बना हो जाएगी, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर यज्ञ स्थल हुआ था तो हरिद्वार के पास में जो कणखल है यहाँ पर दक्ष की जगह है, तो यज्ञ तो वहाँ हुआ था, फिर वो यज्ञ वहाँ वाला यहाँ कैसे हो गया? ये थोड़ी सी यहाँ भी महाकाली का वही रूप है, भगवती का जो है काली रूप में है। हाँ। और उनके सारे बदन के जो है एक एक जो है ये हड्डियाँ जो है दिखाई पड़ती रहती है, दिखाई पड़ती रहती है। कंकाल काली कंकाल की काली रास्ते। अच्छा, आप भी यहाँ के पुजारी हैं? सब साथ ही के पुजारी हैं। 96,000 बीघे का एक चंद है, और यहाँ जो अष्टभुजा है वो एक ही है और कोई नहीं, वो विंध्य पर्वत विंध्यवासिनी के विंध्य पर्वत विराजमान है। विंध्य पर्वत पे, ये विंध्य पर्वत है जहाँ आप खड़े हैं, ये विंध्य पर्वत है। ठीक है, इसीलिए भले कहा जाए कि और कहीं स्थित हैं, गिरी हुई हैं, निकाला गया अंग बाल, लेकिन जो मेन उस कंस के हाथ छूटे थे यही विंध्या बिंदु पूरी की पूरी माता, मतलब आपके हिसाब से यहीं पे हैं, मतलब उनके कई टुकड़े नहीं हुए थे, पूरी की पूरी माता है। उनका पति जी का पूछ रहे हैं, पति का तो है, लेकिन जब हम देखिए, हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं और योग माया जी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही हमारा घर है। हाँ। तो हम निरंतर वहाँ पे जाते हैं, रात्रों में भी जाते हैं, तो जो हमें वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान ठीक है कि नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये बोला गया है कि वो इसको काटते नहीं है विंध्यवासिनी को, वो यही कहते हैं कि वो योग माया मंदिर जो है वो 2 हिस्सों में प्रवेशित हुई, उनका गुप्तांग जो है वो वहाँ पे गिरा उस पर्वत के ऊपर दिल्ली में, और जो बाकी दूसरा जो हिस्सा है माँ का वो यहाँ गिरा। लेकिन आपके अनुसार ये है पूरी की पूरी माता यहाँ गिरी, आप दर्शन करेंगे, वो गिरी नहीं थी, उनका लीला था, वो कंस के हाथ से छूटी थी, कंस उनको पटकने वाला था, उनका उनके हाथ से अदृश्य हो गए, और जो उनको भविष्यवाणी करके वो ये विंध्य पर्वत पे अष्टभुजा के नाम स्थित है, पैदा हो गया है, मैं विंध्यगिरि पर्वत पर जाके निवास करूंगी, नंद गोप गृह जाता यशोदा संभवात तस्तव नाशयामी विंध्याचल निवासिनी, मैं विंध्यगिरि पर्वत पर जाकर के फिर निवास करती हूँ, देवताओं का हर कार्य करने के बाद ये इसी पर्वत पर आके फिर विद्यमान हुई है। वैष्णो देवी का मंदिर है कटरा में, रेणुकुंड में एक वैष्णो देवी मंदिर बना दिया गया है, तो वो उनको मेन नहीं कहा जाएगा, मेन उनको कहा जाएगा, तो ऐसे ऐसे मंदिर कहीं बना दिया जाए तो उनको मेन नहीं कहा जाएगा। तो आपके मतलब मथानुसार ये हुआ कि जब अष्टभुजी रूप में कंस को उन्होंने बता दिया कि तेरा मरने वाला उत्पन्न हो चुका है, और उसके बाद में वह स्वयं जो है वो यहाँ पर, बल्कि उनके टुकड़े नहीं हुए, पूरे शरीर से शाश्वत रूप में विराजमान है, आप उनका हर अंग पाएंगे, भुजा है, पैर है, नेत्र है, पूरा मुख है, सही बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने जो है दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया है, भगवती का जो है वर्णन किया है, शुंभ निशुंभ महिषासुर को रक्त बीज को भगवती ने मारा है, उसी में ये आया है कि नंद को गृह जाता है यशोदा गर्भ संगवा और तस्तव नाशयिष्यामी विंध्याचल निवासिनी, दुष्ट मारने वाला गोकुल में पैदा हुआ है और मैं जाकर फिर विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी। वैसे तो आप हर जगह घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। नहीं नहीं, आपने जो जानकारी, देखिए ये जानकारी खाली जानकारी नहीं है, अब ये जब जानकारी उनके साथ में इनका तर्क वितर्क होगा, क्योंकि आप ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उनके सामने जाएगी, जो भी आपने वर्णन दिया, फिर इसके बाद में उनका निचोड़ क्या होगा वो अगली बार हम पकड़ेंगे, और उसके बाद में निकल के आएगा कि क्या है। वैसे निकालने से हमें कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि आप शक्ति है, आदि शक्ति है, माँ है, उसका हमें कोई उससे तात्पर्य नहीं है। भारत देश है, अभी एक पत्थर यहाँ रंग कर रख देंगे तो पत्थर ही पूजा जाएगा, पत्थर ही पूजा, भारत देश में भाव देखा जाता है, श्रद्धा जैसा देखा जाता है, पूजा जाता है। नहीं, इसमें कोई इसमें किसी प्रकार का कोई तो रहा नहीं है कि विंध्यवासिनी विंध्याचल में नहीं है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में साफ तौर पर कहा गया था उन्होंने कि मैं विंध्याचल के ऊपर जाकर बात करूंगी, लेकिन हाँ यह है कि एक थोड़ा सा इतना ही कन्फ्यूजन है कि क्या वो दिल्ली में जो योग माया जी का मंदिर है, क्या उस स्थान में उनका कोई अंश है क्या? नहीं, रेणुकुंड वैष्णो देवी बनाया गया है और जो कटरा में वैष्णो देवी स्थित है, मेन उनको कहा जाएगा, उनका शाखा आप हर जगह विराजमान कर दीजिए, लेकिन मेन शाखा तो वही कहा जाएगा। आप उनका अगर खोज करिए दिल्ली का तो आपको पता चल जाएगा 100-150 वर्ष, उससे ऊपर का आपको इसका इतिहास वहाँ नहीं पता चलेगा दिल्ली का, लेकिन इनका इतिहास है आप पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत जो है अगर ना कोई हो तो वो विंध्याचल पर्वत ही है, और जितने भी पर्वत है वो बर्फ के हैं और ऐसे ऐसे बने हैं कि वो जो ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन विंध्याचल पर्वत इतना कठोर है, इसी पर सारे संग्राम हुए हैं, और पर्वत को पर्वतों का इसको राजा कहा गया, ये पर्वतों का राजा है, यह सूर्य के किरण को रोक लिया था, सूर्य के झुका हुआ है तब इतना नीचे। हाँ, इन्होंने हमारे साथ में सज्जन जी आए हैं, एक किशन जी, इन्होंने भी हमें कुछ ऐसे ही चर्चा बताई थी कि किसी कारण से इनको झुकना पड़ा था, तो वो अगस्त ऋषि के
अगस्त ऋषि के शिष्य थे, थोड़ा सा अभिमान किया और बढ़ता चला गया, सूर्य के गति को रोक दिया। तो ऋषियों ने, देवताओं ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, ऐसा हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, सूर्य जो है दिखाई नहीं पड़ेंगे। तब अगस्त मुनि को भेजा गया है, वो जो है आए हैं तो उनको देखते ही ये दंडवत कर लिया। तो कहा था मैं जब तक न लौटूं इधर से तब तक आप इसी रूप में आप रहिए। तब से ये बिंदगी पर्वत जो है लेट गया, दंडवत किया है, ऐसा नहीं हुआ है, ये दंडवत में लेटा हुआ है, क्योंकि अपने पहले अब तो पैर छूके प्रणाम करते हैं, लेकिन पहले जो अपने गुरु रोहित को प्रणाम करते साक्षात दंडवत करते हैं, तो वो साक्षात दंडवत करके विंध्य पर्वत ने प्रणाम किया अगस्त मुनि। तो उसने ये कहा कि जब तक मैं इस मार्ग से ना लौटूं तब तक आप उठिए मत। ठीक है, अब गुरु का पालन उनका करना, तब से वो लेटे हुए हैं और गुरु जी अभी वापस नहीं लौटे हैं उस मार्ग कल्याण के लिए, उस मार्ग से नहीं लौटे हैं। तो पुजारी जी आपने हमें ये जानकारी दी, आपने अपना परिचय नहीं दिया हमारे को। मेरा नाम पंडित प्रशांत कुमार द्विवेदी है। प्रशांत कुमार द्विवेदी, तो पुजारी जी ने तो अपना दे दिया है। और वो तीसरे पंडित श्री राधा रमन द्विवेदी जी आप हो गए हैं, आप प्रशांत त्रिवेदी जी हो गए हैं, और तीसरे पंडित जी वो गणेश चंद पांडे हैं। यहाँ से जा चुके हैं, तो अब हम आगे अंदर दर्शनों को जाएंगे। मेरे ख्याल में जितना इतिहास आपने बताया शायद इतना ही है, इसके अलावा शायद कुछ और नहीं होगा। तो ये जानकारी हमारे को, जो आप दिल्ली वाला बता रहे हैं वो आप खोज करेंगे, आप दिल्ली में अगर रहते तो आप खोज करेंगे, बहुत होगा 50 बरी। नहीं, उसका भी इतिहास तो है, इसमें बताने की बात नहीं है, उसका इतिहास तो है, पिंडी रूप में है वो भी, दिल्ली भी क्योंकि कई बार उजड़ी कई बार बसी है, तो उसका भी इतिहास तो है, क्योंकि अब क्या है कि अब जैसे वहाँ पे जैसे चादर चढ़ती है वहाँ पे, साथ ही में कुतुबुद्दीन अली अहमद की दरगाह है, तो वहाँ पे एक प्रथा चली आ रही है कि जब फूल वालों की सैर होती है तो चादर जो है वो योगमाया जी से कुतुबुद्दीन अली अहमद में जाती है, कुतुबुद्दीन अली अहमद से योगमाया में आती है। इतिहास तो है, लेकिन वो जो कहते हैं उनमें कहते हैं एक हिस्सा विंध्याचल पर्वत में है, एक यहाँ है, लेकिन आपके अनुसार पूरी की पूरी माया का रूप यहीं पे है, तो ये थोड़ा सा एक खोज का विषय हो सकता है। आप अगर दर्शन करेंगे तो संपूर्ण रूप से माता जी का जो श्लोक है ना, ये मार्कंडेय ऋषि ने इस श्लोक को लिखा है, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ये है, नंद गोप गृह जाता, ये श्लोक नंद गोप गृह जाता, ये शोधा गर्भ संभवात तस्तव नाशयिष्यामि विंध्याचल निवास, ये योग माया का ये श्लोक है, स्वरूप है पूरे रूप, पूरे रूप, ये आकाश मार्ग में से उड़ी है और जाकर मैं विंध्याचल, ये सिंह पे विराजमान है, सिंह पे विराजमान जी, अष्टभुजी माया मतलब जो ऊपर दिखाई दी थी उसके बाद वहाँ से वो यहीं पे आके विद्यमान हो गए, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। तो ये सब जानकारी हमारे को यहाँ के पुजारियों ने दी है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर विंध्याचल वासिनी किस रूप में यहाँ के बसी है, और ये तमाम जानकारी अभी मैंने दी। इसके अलावा कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो कुछ समय बाद मैं फिर आपसे मिलूंगा, कुछ समय के बाद। जय माता की।